हाल में मेरी रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स, 10 गढ़वाल राइफल्स. कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैज हैपेंड विद 10 गढ़वाल राइफल्स रिसेंटली? तो आपको याद दिलाता हूं, डेढ़ महीना पहले 27 जनवरी को मेजर आदित्य, याद आ गया नाम मेजर आदित्य? हाँ, 10 गढ़वाल राइफल्स, वन ऑफ माय यूनिट्स ऑफ माय रेजिमेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिट्स. इट गॉट द गवर्नर्स ट्रॉफी इन 1991. मैक्सिमम हॉलेज ऑफ वेपन्स इन कश्मीर का रिकॉर्ड जो है वो 10 गढ़वाल राइफल्स का है. हजरत बल क्राइसिस ऑल्सो 10 गढ़वाल एंड 5 गढ़वाल टुगेदर एट दैट टाइम. 10 गढ़वाल राइफल्स वॉज इन शोपियां, निकलने वाले थे वहां से. वो अमरनाथ यात्रा के लिए आए थे, कुछ दिन के लिए रहे वहां अक्टूबर तक, नवंबर तक. फिर उनको कहा आप जनवरी तक रह लीजिए, एंड देन दे वे टू मूव आउट फ्रॉम देयर. एंड नाउ व्हेन दे वर अंडर ऑर्डर्स ऑफ मूव, सो दैट द टाइम व्हेन मेजर आदित्य वाज गिवन दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ गोइंग टू श्रीनगर एंड ब्रिंगिंग 10 और 15 सेकेंड लाइन व्हीकल्स. जैसे हर जगह होता है ना, सेकेंड लाइन व्हीकल्स को ले खाली गाड़ियां आ रही थी. एंड दे केम इन टू दिस विलेज, उस गाँव शोपियां के पास, गाँव बालापुर के पास. थोड़े दिन पहले कुछ वाकये हुए थे उस एरिया में, एंड देयर यू सडनली फाउंड दैट आधा कॉन्वॉय जो है वो एक रास्ते पे चला गया. मेजर आदित्य ले गया उसको आगे, कॉन्वॉय कमांडर, और आधा कॉन्वॉय जो उसने गलत टर्न ले लिया, एंड इट वेंट इन टू अ डेड एंड इन द विलेज. वहाँ से दे हैड टू ट्राई एंड टर्न अराउंड. यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू टर्न अराउंड अ कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स. तब तक वहाँ पर मजमा आ गया, मॉब आ गया, पथराव शुरू हो गया, और दे वर ट्राइंग टू लिंच द सोल्जर्स, दे वर ट्राइंग टू लिंच द जेसीओ. The JCO tried his best to reason with them. He fired in the air also. हालांकि आर्मी एयर में फायर नहीं करती है, प्रिंसिपल है कि नहीं करती है, मगर कश्मीर में करना पड़ता है कभी कभी. एंड फाइनली दे फायर्ड ऑन द मॉब एंड किल्ड 3 पीपल. अब इसके ऊपर क्या हुआ? देर वॉज इन इमीडिएटली फ्यूरोर इन द असेंबली, एटसेट्रा एटसेट्रा. आई एम यूजिंग दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन टू यू हाउ नैरेटिव्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर बिल्ट इन the incorrect understanding of things sometimes. And there was an FIR lodged. जब FIR lodge हुआ उस दिन शाम को मैंने जियो से विक्टर फोर्स से बात की. मैंने कहा FIR में लॉज कह दिया, लिखा क्या है FIR में? मैंने कहा कुछ नहीं है FIR में सर. वो ऑफिसर मेजर आदित्य को ओनली नेम्ड हिम एज ए कॉन्वॉय कमांडर, यू नॉट अक्यूज. मैं श्योर, ही सेड एब्सोल्युटली आई हैव सीन इट. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. मैं तब तक असेंबली में जोसी विक्टर फोर्स जिसके नीचे आता है ये. अब मीडिया में आ गया, और मीडिया में किसी को इसकी समझ नहीं है. एवरीवन वेंट आफ्टर बंकर्स आफ्टर दिस टू से एफआईआर नहीं लॉन्च होना चाहिए. अब आप सब जो कश्मीर में रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रहे हैं, आपको याद होगा एफआईआर जब भी आप दो टेररिस्ट मारते हैं, जब भी आपका कोई मुठभेड़ होती है, कभी सिविलियंस के साथ होती है, कुछ होती है, पहली चीज है एफआईआर. पहली चीज है एफआईआर. ठीक है, क्यों रिस्पांस हो रहा था मीडिया में? क्योंकि 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो एफआईआर थे अगेंस्ट फर्स्ट टाइम स्टोन थ्रोअर्स, उन 10,000 लोगों के स्टोन एफआईआर जो थे विड्रॉ कर दिए थे. एंड दे हैड सेड कि हम सेकंड टाइम स्टोन थ्रोअर्स के एफआईआर को भी विड्रॉ कर देंगे. अब इस वाक्य के साथ लिंक हो गया एफआईआर अगेंस्ट द आर्मी, कि एफआईआर स्टोन थ्रोर के तहत निकाल रहे हो और आर्मी के खिलाफ एफआईआर लगा रहे हो. यू सी हाउ द नैरेटिव वाज बिल्ट. नाउ दिस हैड अ काउंटर थिंक, एंड आई विल गिव यू द डीपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. आई न्यू कि मैं अगर इसके ऊपर लिखूं कुछ तो दुनिया पूरे देश में उसके खिलाफ आ जाएगा, बट आई वेटेड फॉर अबाउट 2 वीक्स. फिर 2 हफ्ते के बाद मैंने एक्सप्लेनेशन दिया और लिखा. क्या एक्सप्लेनेशन था? और आप लोग जो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपको ये इस जो मैं बताऊंगा आपको, फिर उससे आप अप्रिशिएट कर पाएंगे. आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आपको मालूम होना चाहिए. एवरी सोल्जर इज प्रोटेक्टेड अंडर लॉ, ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देती है. मगर आफ्सपा की सबसे बड़ी कमजोरी कि 1990 में जब ये एनैक्ट हुआ 4 जुलाई को, ये जल्दबाजी में इनैक्ट हुआ था. वी डिड नॉट थिंक ऑफ एवरी सर्कमस्टांस एंड एवरी कंटिजेंसी. हमने ये नहीं सोचा कि वी आर प्रोटेक्टिंग द सोल्जर फ्रॉम प्रोसिक्यूशन बट नॉट प्रोटेक्टिंग द सोल्जर फ्रॉम इंटरोगेशन, राइट, नॉट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन. तो आफ्सपा जो है सोल्जर को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ, एंड देयरफॉर एफआईआर इज अ मस्ट अंडर लॉ.
और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा हुआ है दैट इट इज अ मस्ट. देयरफॉर द फॉल्ट फर्स्ट लाइज दैट फॉर 28 इयर्स AFSPA हैज कंटिन्यूड लाइक दिस विदाउट अस रियलाइजिंग इट एंड लुकिंग एट पोटेंशियल अमेंडमेंट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द लॉ टू प्रोटेक्ट योर ओन सोल्जर्स. जब हमने इंटेलेक्चुअली नहीं एग्जामिन किया है नाउ वी आर क्वेश्चनिंग टू से FIR क्यों लॉन्च किया. दूसरी चीज आप याद रख लीजिए, मेरे वक्त जब मैं कोर कमांडर था एक दिन मेरे बताया कि एक जवान जो है 7 पैरा का वो रिटायर हुआ हुआ जवान उड़ीसा में, उसको जम्मू कश्मीर पुलिस जाकर अरेस्ट करके ले आई. क्यों? क्योंकि उसने एक ऑपरेशन में हिस्सा लिया था जिसके अंदर 4 या 5 सिविलियन मारे गए थे और किसी ने आज जाकर हाईकोर्ट में इसका एक मुकदमा दर्ज कर दिया था. नो वन रियलाइज्ड कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो AFSPA आपको प्रोटेक्ट ही नहीं करता. आज मैं खड़ा हूं यहां पर, कोई आकर मुझे अरेस्ट कर सकता है क्योंकि आई एम रिटायर्ड. डू यू सी द पिटफॉल्स ऑफ AFSPA? सिंस वी हैव नॉट इंटेलेक्चुअली, हमको आदत ही नहीं है इन चीजों को देखने के लिए बारीकी से. मुझे उस दिन थ्रेटन करना पड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस को कि अगर ये जवान मेरे कस्टडी में वापस नहीं दिया गया अगले 4 घंटे में, मैं तो एक पैरा SF की टीम भेजकर उसको निकाल के ले आऊंगा. हम तो आर्मी में अपना प्रोटेक्शन करते हैं अपने जवानों का इस तरह से. वी गॉट हिम दैट डे, वी गॉट हिम आउट. और मैंने रिक्वेस्ट किया, वी गॉट हिम, आई गॉट हिम बैक इनटू बदामीबाग और कहा कि यू कैन डू व्हाट एवर इंटरोगेशन यू वॉन्ट हियर बट मेरा जवान कस्टडी में नहीं रहेगा यहां पर. अब आप सोचिए लॉ, हम कहते हैं कि AFSPA इतना ड्रैकोनियन लॉ है और आप खुद ही देखिए अंदर क्या है, इसके कितना खोखला लॉ है ये, जहां के आपके सोल्जर्स को आपके उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा है. तो मैंने अपने पीस में लिखा जब मेजर आदित्य का ये केस था, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू इन ग्रेट डिटेल बिकॉज दिस इज नॉट अंडरस्टूड. आई एक्सप्लेन कि मेजर आदित्य 20 साल के बाद कर्नल आदित्य होगा, रिटायर हो गया होगा, सब भूल गए होंगे कि यह वाक्या क्या था स्टोन थ्रोइंग का, और एक कश्मीरी जाकर इस इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेगा, उस वक्त इनको अरेस्ट करके ले आया जाएगा यहां और आर्मी को मालूम ही नहीं होगा कि यह क्या केस है, और मेजर आदित्य भाग रहे होंगे पिलर टू पोस्ट टू फाइंड आउट के व्हाट शुड आई डू फॉर प्रोटेक्शन एंड वी नीड टू देयरफॉर प्रोटेक्ट आवर सोल्जर्स एंड आवर ऑफिसर्स एंड वी नीड नॉट गेट इमोटिव ऑन दीज थिंग्स ऑन दीज रिस्पॉन्सेज कि FIR क्यों लॉन्च किया, क्योंकि वही इमोटिव होगा जिसको समझ नहीं है इस चीज की.